बहुत सारे लोग गलत फहमियां पैदा करने का काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के विपक्ष के नेता पवार साहब से मिले इस पार्श्वभूमि पे, या पहले मिले या बाद में मिले, इसमें किसी भी प्रकार का तथ्य नहीं कि पवार साहब और प्रतिपक्ष के नेता महाराष्ट्र विधानसभा के उनके बीच कोई मुलाकात दिल्ली में हुई है। और ये जो सारा घटनाक्रम है, जिस विषय पर प्रधानमंत्री जी से पवार साहब की मुलाकात हुई, ये कांग्रेस के नेताओं की जानकारी में है कि ये बैंकिंग का जो विषय है, जब कांग्रेस के प्रभारी पाटिल साहब पवार साहब से मिलने गए थे दो मंत्रियों के साथ, उस समय ये सारी चीज़ें बैंक सेक्टर की जो कमियां हैं या जो रेगुलेटरी एक्ट में बदलाव किया गया जिसमें कोऑपरेटिव बैंक संकट में है, ये सारी जानकारी उन्हें भी दी गई और इस विषय पे प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे ये भी बताया गया था। और मुख्यमंत्री महोदय से भी इस विषय पे पहले से बात हुई थी, कोई ये मीटिंग एकाएक हो गई ऐसा नहीं, जो एक गंभीर विषय है उसको लेके मीटिंग हुई। और निश्चित रूप से इस मीटिंग के माध्यम से जो मुद्दे उठाए गए, हमें आशा है कि प्रधानमंत्री जी कोऑपरेटिव सेक्टर में, जो बैंकिंग सेक्टर में जो परेशानियां बैंकों को है, उसको गंभीरता से लेंगे। और साथ ही साथ जो कोविड को लेके एक नीति तय हो देश भर के लिए, जो मुख्यमंत्री जी ने भी मांग की, पवार साहब ने भी मांग की, और टीकाकरण को लेके भी ठोस कार्यक्रम बने, हम उम्मीद करते हैं दोनों विषय के लिए कोई रास्ता निकलेगा। सोमवार से पार्लियामेंट की बैठक शुरू हो रही है, निश्चित रूप से विपक्ष भी संयुक्त रूप से जो भी कार्यक्रम बनाएगा, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से विपक्ष की एकजुटता को लेकर सारे मुद्दे, चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई हो, टीकाकरण हो, कोविड हो, या जिस तरह से सीमा पे तनाव बना हुआ है, इन सभी विषय पे पार्टी अपनी भूमिका रखेगी।